नंबर वन, शाउटिंग एट द स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, चीखना, शोर करना, चुप हो जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। यू आर शाउटिंग योर स्टूडेंट्स, आप उन पे चीख रहे, चिल्ला रहे, इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर कंट्रोल, यू हैव लॉस्ट योर पेशेंस। आपका क्लास के ऊपर जो कंट्रोल था वो आप लूज कर चुके हैं। आपका चीखना चिल्लाना इस बात को साबित कर रहा है कि आपका क्लास के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब इससे होगा क्या, बच्चा चूंकि छोटा है, ना समझ है, वो आपकी बात को समझने की बजाय मजीद गलती करेगा, क्योंकि वो डर गया, वो कंफ्यूज्ड हो गया, वो खौफ ज़्यादा हो गया। ये ऐसा ही है कि जैसे सड़क पर जाते हुए आप किसी गाड़ी की ब्रेक पर जा रहे हो, आपके पास भी गाड़ी हो, आगे वाले के पास भी गाड़ी हो, या कोई पैदल चल रहा हो रोड के ऊपर और आप उसके बिल्कुल करीब जाके जोर से हॉर्न बजाएं, तो बजाय इसके कि वो साइड पे हो, डर कर वो आपकी गाड़ी के आगे गिर जाएगा। तो आपको तो क्या करना था, अपने रास्ते को सेफ करके आगे जाना था, लेकिन आपने वो मिस्टेक की कि जिसकी वजह से आपने सामने वाले को मजीद कंफ्यूज कर दिया और अपने लिए ही मसला पैदा कर लिया कि वो अब आपकी गाड़ी के आगे गिर गया, अब आप भी ना जा सके और वो भी जख्मी हो गया। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जब आप उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो एक तो वो पहले गलती कर रहे थे, अब दूसरा आपके चिल्लाने के बाद वो डर गए, खौफजदा हो गए, अब उनको नहीं पता कि उनको करना क्या है, अब वो मजीद फिर गलती करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, यू विल हैव टू अवॉइड इट, शाउटिंग एट द स्टूडेंट्स। आपको बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है। अक्सर देखा गया है छुट्टी के वक़्त, मॉर्निंग असम्बली के अंदर और किसी प्रोग्राम के अंदर बच्चे शोर कर रहे हैं, या सीधे खड़े नहीं हो रहे, या लाइन अप नहीं हो रहे, तो टीचर सीधे हो जाओ, सीधे। आपने जाना है प्यार से उस बच्चे को सीधा खड़ा करना है तो सीधा खड़ा कर दें। अगर उसको कहना है कि बेटा शोर नहीं करे, उसके पास जाकर प्यार से उसको कहें, बेटा आप क्यों शोर कर रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो, ये नहीं। वो इधर उधर देखेगा, पता नहीं किसको बोल रही है मिस, हालांकि शोर वो कर रहा है, लेकिन जब आप चीखेंगी तो आपने मजीद 10 बच्चों को भी कंफ्यूज कर दिया जो बिल्कुल कूल एंड काम खड़े हुए थे। लिहाजा जो मस्ती कर रहा है, जो शरारत कर रहा है, आप उसके पास जाएंगी और आप जाकर उसको प्यार से, बेटा आप शोर क्यों कर रहे हैं, बेटा आप सीधे खड़े क्यों नहीं हो रहे, बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रहे, बेटा आपकी किताब बंद क्यों है, मैं देख रही हूं किसी ने भी उंगली नहीं रखी ऊपर। अब जिसने रखी हुई है वो भी इधर उधर देखने लग गया, हालांकि वो फोकस था, वो पढ़ रहा था, उसकी तवज्जो भी थी, जब आप चिल्लाई वो भी उधर उधर देखने लग गया, पता नहीं किसने नहीं रखी, किसने नहीं रखी, किसने नहीं रखी, ढूंढने लग गया वो, किसने नहीं रखी, वो तो सही था, पढ़ रहा था, आपने उसकी भी तवज्जो खराब करवा दी। अगर 20-25 स्टूडेंट्स में से 5 नहीं पढ़ रहे तो आपने 20 को भी उसमें डिस्टर्ब किया। इसका बेहतरीन तरीका यह था कि आप क्लास चलती रहती, आप खुद उठते चलते, खुद को हिलाते, और जो बच्चे ने, जिसने उंगली ने, बेटा आप ऊपर उंगली क्यों नहीं रख रहे, तो डोंट शाउट एट द स्टूडेंट्स, डोंट गेट एंग्री, डोंट बी वायलेंट। वायलेंट गुस्से में आ जाना, मुश्तइल हो जाना, मार धाड़ पे उतार आना बच्चों को, तो ये सारी चीजों से आपने बचना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट।